हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने भाई इस वीडियो को 2 सेकंड भी देखा तो उसके लिए भी भाई थैंक यू सो मच। यार, आप लोगों को थैंक यू नहीं बोला जाता भाई। पहले तो आप लोगों को थैंक यू कि कम से कम वीडियो को क्लिक किए। इसके बाद भी अगर वीडियो छोड़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट थैंक यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले RS 200 के फाइनेंस के बारे में। देखिए, आपको बताएगी एक मिडिल क्लास आदमी, ठीक है, मिडिल क्लास आदमी या हो यार हमारे पास कैश भी हो, बट 90% लोग जो होते हैं भाई वो बाइक को फाइनेंस पे लेते हैं, क्योंकि भाई फाइनेंस पे हमें बाइक में कम अमाउंट देकर हम बाइक खरीद सकते हैं। अब भाई मेरे हिसाब से अगर कोई बिजनेसमैन होगा बिना तो वो भी यही करेगा भाई साहब, वो फाइनेंस में ही बाइक खरीदेगा। फाइनेंस में बाइक खरीदेगा क्योंकि वो बोलेगा कि अगर 2 लाख की गाड़ी है तो मैं 50,000 रुपये गाड़ी में लगाता हूँ और 1.5 लाख रुपये मैं अपने बिजनेस में लगाता हूँ। जितना मुझे इंटरेस्ट लगेगा फाइनेंस में, उससे डबल टिबल मैं यहाँ पे अपने बिजनेस में पैसा बना लूँगा। ऑब्वियसली बात है भाई, ऐसे ही लोग करते हैं, ठीक है, यह बात आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में RS 200 के फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप RS 200 फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं RS 200 के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं RS 200 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फाइनेंस कराने के लिए आपको जनरली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। अब ऑब्वियसली बात है भाई, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आप लोग पूछते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे समीर भाई, तो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड लगेगा या फिर लाइसेंस लगेगा, पैन कार्ड में नहीं होता एड्रेस, ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों का घर का, अगर खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी के भी नाम से वो चलेगा, बट खुद का घर होना चाहिए। और अगर खुद का घर नहीं है तो भाई आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया तो कोई बात नहीं है, आप जाओ कोर्ट में आप लोगों को 200 से 300 रुपये में 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट बनाकर दे देगा। उसके बाद दोस्तों, आपको 2 से 3 चेक लगेंगे। हालाँकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आ गई आजकल की, चेक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है फाइनेंस के लिए, बट कोई कोई जो कंपनीज़ होती है यानी कि बैंक होता है वो मांग लेता है, अगर बैंक से फाइनेंस करा रहे हो तो। उसके बाद 2-3 फोटोज़ की नीड होती है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास ITR है, ITR का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। मान लीजिए अगर आप साल में ITR भरते हैं, मतलब बजाज आप टैक्स भरते हैं कंपनी को, सॉरी यार गवर्नमेंट को, अगर आपके पास वो फाइल आप कराते हो तो वो आपके पास है तो आपकी बाइक और जल्दी फाइनेंस हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आपको 6 महीने का आपका बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी लगेगा जिसमें आपकी सैलरी आती है, ताकि आप दिखा सको कि भाई मैं यहाँ से पैसा कमाता हूँ। और आप लोग को भाई ऑब्वियसली बात है, ये तो दिखाना ही पड़ेगा, उसके बिना कहाँ से आप लोगों को मिलेगा, तो ये भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये चीजें बस आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप लोगों को और भी कोई ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, RS 200 का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,70,000, 1,70,000 रुपए के आसपास की ये बाइक आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। बात कर ले दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, चाहे आप वो कार पे जाओ चाहे वो आप बाइक पे जाओ, भाई ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट का जो RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस होता है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। RTO तो भाई गवर्नमेंट डिसाइड करती है और इंश्योरेंस चार्जेस जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है, तो वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। हमारे यहाँ दोस्तों RS 200 का ऑन रोड प्राइस है 1,95,000, 1,95,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। आप लोगों को क्या ऑन रोड प्राइस, आप लोगों के यहाँ क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लेकर रखा है 55,000 रुपीज डाउन पेमेंट अमाउंट। जी हाँ, मतलब कि 55,000 रुपये हम शुरू में दे रहे हैं बाइक लेने के लिए। अब 55,000 रुपये से आपको कोई मतलब नहीं है, 1,95,000 में 55,000 रुपीज़ बस माइनस हो जाएगा तो 1,40,000, 1,40,000 रुपये आपका फाइनेंस अमाउंट है, जिसमें यहाँ पे जो भी गणित होगा इसी प्राइस में होगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अब 1,40,000 रुपये आपका टोटल फाइनेंस अमाउंट है, समझिए, ठीक है, ये टोटल फाइनेंस अमाउंट तो नहीं आ गया, और समझिए दोस्तों, यहाँ पे चाहे आप बैंक से फाइनेंस कराओ चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से फाइनेंस कराओ, आपको देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस एक ऐसी चीज़ है, बाइक, कार, TV, प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी लो भाई, फाइनेंस कराओगे प्रोसेसिंग फीस देना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए दोस्तों, आप लोग किसी भी से भी कराओ, एक्चुअल में देखिए बजाज जो होता है वो खुद भी एक फाइनेंसर है। जी हाँ, आपको पता है कि बजाज खुद एक फाइनेंसर है, वो बाइक भी फाइनेंस करता है और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भी फाइनेंस करता है। आप चाहे तो बजाज से भी फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोसेसिंग फीस देना ही पड़ेगा। तो ये
कम से कम 10,000 रुपीज़, 1,40,000 में 10,000 प्रोसेसिंग फीस लगना ही लगना है, ठीक है। 10,000 रुपये आपका हो गया प्रोसेसिंग फीस, टोटल अमाउंट हो गया 1,50,000, 1,50,000 रुपये। अब देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट। भाई कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, बैंक हो, वो आपको फाइनेंस करके क्यों देगा? ऑब्वियसली बात है भाई, वो इसलिए फाइनेंस करके देगा क्योंकि भाई उनको भी कुछ मिल रहा है। अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा तो फिर वो क्यों फाइनेंस करेंगे? तो ये बात को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब दोस्तों इंटरेस्ट में कहानी ये आती है कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे। जितना आपकी सैलरी होगी उसके हिसाब से आपको स्कीम दी जाएगी। तो यहाँ पे जनरली 11%, 10%, 8%, 9%, 12% ऐसा इंटरेस्ट रेट आता है। आज हमने 10% ले रखा है, 1,50,000 का 10% हो गया 15,000 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों 15,000 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट है। एग्जांपल, अगर आप एक साल के लिए गाड़ी फाइनेंस करा रहे हो तो 1,50,000 प्लस 15,000 कर दो तो 1,65,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब आप इसे कन्वर्ट कर दो 12 मंथ में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो तो एक साल में 12 महीने होते हैं। आपकी जो मंथली EMI बनेगी दोस्तों वो लगभग बनेगी 13,750 रुपीज़, 13,750 रुपये के आसपास की आपकी मंथली EMI बनेगी, जो कि आपको पे करनी है कब तक? 12 मंथ तक, ठीक है। ये हो गया एक साल का। मान लीजिए अगर आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2 साल। तो दोस्तों 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 15,000 रुपये एक साल का इंटरेस्ट है, उसमें आप ×2 कर दो या फिर से 15 जोड़ दो एक साल का, तो 30,000 रुपये आपका जो होगा वो इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल का। अब मान लीजिए दोस्तों अगर आप 2 साल में 30,000 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से ठीक है भाई, क्योंकि 3 साल के बारे में बताऊंगा आगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब दोस्तों 1,50,000 में 30,000 रुपये आप प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट हो गया 1,80,000 रुपये, 1,80,000। 1,80,000 को डिवाइड कर दो 24 से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई आप 2 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो, 2 साल में होते 24 महीने, तो आपकी जो मंथली EMI आएगी वो आएगी लगभग 7,500, जी हाँ 7,500 रुपये के आपके आसपास की मंथली EMI आपको पे करने की 24 मंथ तक। अब मान लीजिए आप गाड़ी को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, तो भाई 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए आप लोगों को सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, 15,000 × 3, यानी कि 45,000 रुपये सिर्फ आप एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि भाई 2 साल के लिए फाइनेंस कराओ, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 3 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो तो 45,000 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया, उसमें 1,50,000 प्लस कर दो तो 1,95,000, 1,95,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब आप उसे 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 साल में 36 मंथ होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI आएगी वह आएगी लगभग 5,416 रुपीज़, 5,416 रुपये के आसपास की आपकी मंथली EMI आएगी, जो कि आपको पे करनी है 36 महीने तक। तो ये था दोस्तों बजाज पल्सर RS 200 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने कंप्लीट आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को ऐसी टॉपिक में और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि किस बाइक से रिलेटेड चाहिए, तो वीडियो भी लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक लाइक मार दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।